नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। सोमवार की बाजार के लिए संकेत कैसे हैं? 15,330 पे हम क्लोज हुए थे। ग्लोबल मार्केट से अगर आप संकेत लेना चाहोगे तो थोड़े से मिक्स माहौल में वहां पर चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। थोड़ी देर पहले सिंगापुर वाली निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर थी, थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ कि अभी वो 60-70 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब अभी भी वहाँ पर वोलाटिलिटी बरकरार है। अब ये वोलाटिलिटी आज बाजार में क्यों थी, हम उसको डिकोड करते हैं FII DIH के डेटा से। बहुत ध्यान से देखिएगा, 8000 करोड़ की भयंकर वाली, जी हाँ भयंकर वाली बिकवाली। और ये जो बिकवाली है ये 10000 करोड़ के कितना नज़दीक है, 80% नज़दीक है। ठीक है, 8000 करोड़ की बिकवाली FII ने आज की। अब आप सोचिए, ऊपर के लेवल पे कम बिकवाली, नीचे के लेवल पे ज़्यादा बिकवाली। इसका मतलब क्या है कि इवन एट दिस लेवल FII के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अब बिकवाली कम करें या फिर खरीदारी में शिफ्ट करें। ठीक है, DIIs ने काफ़ी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो आज भयंकर मार्जिन से पिछड़े हैं। इतना मार्जिन रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं पाट सकता था, लेकिन बाजार जो है इंडेक्स मैनेजमेंट कर गई। निफ्टी उतना भयंकर नहीं गिरी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो पेन था वो आपने देखा ही। आज बहुत सारे स्टॉक्स 5-5, 6-6% गिरे हैं, और वहाँ पर FIIs की होल्डिंग भी ज़्यादा है और वो आपको दे रहे हैं तकलीफ। तो ओवरऑल जो सिनारियो बनकर के आ रहा है अभी भी नेगेटिव ही है। सोमवार के लिए FII का डेटा तो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। टेक्निकल चार्ट्स पे भी निफ्टी डिस्टॉर्ट कर चुकी है अपने कुछ लेवल्स को, वो बातें मैंने आपसे पहले भी की हुई हैं। अब आगे बात कर लेते हैं जो सवाल आए हैं उस पर। एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया, सर इस वक्त इस गिरावट में आप बोल रहे हो कि अच्छे स्टॉक्स को ही होल्ड करना, अच्छे स्टॉक्स हम पहचाने कैसे? और जो लोग पूछ रहे हैं कि नए स्टॉक्स हमको खरीदने हैं, मतलब हम स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं, तो अच्छे स्टॉक्स हैं कौन से, हम कहाँ से उनको खरीदें? तो इसका जवाब मैं आपको दो तरीके से दूंगा। पहला तरीका दोस्त, इसी बाजार में 2-3-4 के पी पे मिलने वाले स्टॉक्स भी हैं, और इसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप का टाटा स्टील, ये मुझे जहां तक पता है 4 के भी नीचे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे अभी मिल रहा है। कैन यू बिलीव दिस, टाटा स्टील 4 के मल्टीपल पे मिल रहा है। और इसी मार्केट में ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 150-200 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों ही जगहों पे आप एक ही तुलना से, मतलब एक ही नज़र से तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा, दोनों बिजनेसेस को समझना होगा। अब इन बिजनेसेस को समझना कठिन क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ दोस्त। मैंने टेक्निकल एनालिसिस को जितना समय दिया है ना, उसका 3 गुना ज़्यादा समय मैंने फंडामेंटल एनालिसिस को दिया है, लेकिन मुझे जो वहाँ पर रिजल्ट मिला वो 30% भी नहीं मिला। और यहाँ पर मतलब 3 गुना ज़्यादा मेहनत करके भी सिर्फ 30% वहाँ पर आउटपुट मिला, और यहाँ पर मैंने जो मेहनत की थी ना वो कम की थी। ठीक है, और जो आउटपुट मिला वो 70% के आसपास का मिला। और ये मैं अप्रॉक्सीमेट डेटा बता रहा हूँ, कोई यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन नहीं की। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप फंडामेंटल एनालिसिस में जीत नहीं सकते, और मैं फंडामेंटल एनालिसिस को एक एंगल से फ्रॉड भी कहता हूँ। ठीक है, अब ये बात मैं क्यों कहता हूँ, मैं आपको एक अलग नज़रिए से लेकर के समझाना चाहूँगा, वहाँ पर आप समझ जाओगे कि स्टॉक्स कौन से खरीदने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ICICI सिक्योरिटीज बहुत बड़ा नाम है, आप तो जानते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बोल रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदो 1113 का टारगेट। ठीक है, टाटा मोटर्स खरीदो 680 का टारगेट, हीरो मोटोकॉर्प खरीदो 3042 का टारगेट, आयसर मोटर खरीदो 3315 का टारगेट, बजाज ऑटो को रिड्यूस करो 3507 का टारगेट, डालमिया भारत खरीदो 1635 का टारगेट, और ये बोल रहा है एक्सिस सिक्योरिटीज, बड़ा नाम ये भी है। ठीक है, इसके अलावा सेल को अब बेचने की सलाह दी जा रही है, रिड्यूस करने की सलाह दी जा रही है, 61 का टारगेट दिया जा रहा है ICICI सिक्योरिटीज के द्वारा। आपको अगर याद हो, नहीं याद है मैं आपको बताता हूँ, ICICI सिक्योरिटीज ही था, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन यही सेल में 90 का भी टारगेट दिए थे। ठीक है, और ऊपर से 50% गिरने के बाद ये 61 का टारगेट दे रहे हैं। NMDC यानी कि मेटल स्टॉक्स की बिकवाली जारी रह सकती है, ऐसा ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है, और वो NMDC को बेचने की सलाह दे रहे हैं, JSW स्टील को भी रिड्यूस करने की सलाह दे रहे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हो वो सब स्टॉक्स ऊपर के लेवल से फिसले हैं। दूसरे एंगल से भी समझ लीजिएगा इस चीज़ को कि क्या ये जो रिसर्च करते हैं ये रेशनल होती है, ये जेन्युइन होती है, या फिर इसमें कुछ मिलावट होती है, वो आपको समझदारी दिखानी है। प्लस जिस एंगल पे मैं बात कर रहा था वो ये था कि दोस्त, हम और आपके पास इतना ना डेटा अवेलेबल है, ना ही उतना बड़ा एक्सेस अवेलेबल है, उतनी पहुंच की मैं बात कर रहा हूँ कि हम कंपनियों के बारे में रिसर्च कर सकें। ये लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करते हैं, डायरेक्ट उनके बिजनेसेस को समझते हैं, ऑन साइट जाकर के बिजनेसेस को समझते हैं, और उसके बाद अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो क्या हम इतनी रिसर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके बाद भी इनके द्वारा जो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं वो कितनी सही होती हैं वो आप खुद जाकर के चेक कर लो। और ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं ना,
वो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे हिसाब से 50 तो रोज आती होंगी, 50 स्टॉक्स पे रोज रिसर्च रिपोर्ट आती होगी। और खासकर जब रिजल्ट सीजन चल रहा होता है वहाँ पर तो भयंकर तरीके से रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कभी कोई फर्म दे रही है, कभी कोई फर्म दे रही है, एक ही स्टॉक पे 15 अलग अलग फर्म्स हैं, तो 5,000 स्टॉक्स हैं। अब आप समझ लो कि कितनी रिसर्च रिपोर्ट साल भर में पेश होती हैं, और डेली का एवरेज निकाल लो, ठीक है। सब अपनी अपनी रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने रख रही हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप वहाँ पर दिमाग लगाते रहो, ठीक। तो मैं आपको ये बात इतनी देर क्यों समझानी चाहिए कि दोस्त, आप जब अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने जाओगे ना, आपको हर तरफ शोर शराबा मिलेगा, हर तरफ बता दिया जाएगा ये स्टॉक अच्छा, ये स्टॉक अच्छा, ये स्टॉक अच्छा, ये स्टॉक अच्छा। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, और वो भी मैंने आपको सिखाया है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टिंग। वीडियो देखना, आपको वहाँ पर बात समझ में आ जाएगी। और अब जो फंडामेंटल एनालिसिस एक फ्रॉड है, उसका आप अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हो। और क्या कहूँ, इनके पास करोड़ों रुपए हैं खर्च करने के लिए रिपोर्ट पे, रिसर्च रिपोर्ट पे, रिसर्च करने पे, और हमारे और आपके पास, मतलब मैं तो कहता हूँ 10% पैसा भी हम नहीं खर्च करेंगे ना रिसर्च करने के लिए, क्योंकि हमको लगता है सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ किसी का कोर्स वगैरह करके, मैं कह रहा हूँ कुछ मतलब इनसाइट्स होती हैं जो कुछ वेबसाइट्स प्रो लेने पे देती हैं, हम उतना भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते। और मैं आपको प्रमोट भी नहीं करता कि आप कहीं जा करके पैसे दो किसी को कुछ न्यूज़ पढ़ने के लिए, कुछ रिपोर्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। जो डेटा अवेलेबल है एनएससी बीएससी पर, उसको आप देखो, वहाँ से डिकोड करने की कोशिश करो। जो कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं उन पर आपका फोकस होना चाहिए, कंपनी कमाई कितना कर रही है, जैसे कि मैं आपको रिजल्ट देखने की बात करता हूँ, रिजल्ट में मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसे है उसको समझने की बात करता हूँ, तो ये सब समझो। अब वापस आते हैं आपके सवाल पे कि अच्छे स्टॉक्स हम सिलेक्ट कैसे करें। तो मैंने आपसे कहा 3-4 की पी पे मिलने वाले स्टॉक्स भी हैं, 150 की पी पे भी मिलने वाले स्टॉक्स हैं। तो आप किसी एक सेट पैरामीटर से स्टॉक्स को नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपको ये देखना होगा क्या आपका स्टॉक फ्यूचर प्रूफ है, क्या आपका स्टॉक साइक्लिकल तो नहीं है, क्या आपका स्टॉक किसी सपोर्ट पे अवेलेबल है। सपोर्ट पे अवेलेबल है का मतलब क्या है, आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे, बिना टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई किए आप इस मार्केट में एक्सेल नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस अभी भी मैं कहूँगा कि एक अलग ही लेवल का स्कैम है, मैं इसको अभी भी स्कैम ही बोलूँगा, क्योंकि दोस्त जो डेटा हमारे सामने है एज अ रिजल्ट, आपने देखा होगा कुछ आईपीओ आते हैं, उनका रिजल्ट आईपीओ से पहले बहुत अच्छा होता है, और आईपीओ आ जाता है, पैसा कंपनी ले लेती है, उसके बाद दो कौड़ी का रद्दी सा रिजल्ट हमारे सामने कंपनी ला करके रख देती है। तो आपके सामने जो फंडामेंटल चीज़ें अवेलेबल हैं वो डेटा भी मैन्यूपुलेटेड हो सकता है। तो आपको चार्ट जो है वो पूरी कहानी बताता है, और मार्केट मार्केट आपको इंडिकेशन दे देती है। अब जो लोग मेरी फिबोनाची वाली वीडियो देखे हैं, और जो नहीं देखे हैं दोनों लोगों को बोलूँगा, ठीक है। जब मार्केट, अब ये अपनी तारीफ करने जैसा हुआ, और मार्केट ने वहाँ पर कमाल ही किया था, खैर ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, और इसी दिन उस लेवल को हिट किया था मार्केट ने। पहले जाकर के फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो देखना देखना देखना, और मैंने इसी दिन जिस दिन हिट हुआ मैंने कुछ भी नहीं रिसर्च की, और आपको वहाँ पर वीडियो बना करके दिया, जाकर के देखना कि मार्केट, मैंने चैलेंज किया था कि मार्केट 15,750 तक गिरेगी, अब उसके नीचे जा रही है, मुझे खुद तकलीफ हो रही है, ठीक है। मैं नहीं चाहता यार बाजार गिरे, मैं तो चाहता हूँ बाजार ऊपर जाए, मैं चाहता हूँ स्टॉक्स ऊपर जाएँ, लेकिन फिर भी आपको दिल पे हाथ रख के ये बताने की जिम्मेदारी है, क्योंकि लेवल्स हमको बता रहे हैं, ठीक है। गोल्डन क्रॉसओवर होता है, कितना परसेंट रिटर्न मिलता है, उसके बाद मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस प्राप्त करेगी, वो सब मेरा काम है बताना, मैं बिल्कुल गलत हो जाऊँगा। मैंने आपसे यहाँ पर भी खरीदारी करने को बात बोला था, और वहाँ पर मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा करके नीचे आ गई, अमरीका रेट बढ़ा देगा, अमरीका में महंगाई का डेटा इतना खतरनाक आएगा, हम नहीं जानते थे कि यहाँ पर जो न्यूज़ आ जाएगी, हम नहीं जानते थे रसिया यूक्रेन का वार हो जाएगा, हमको कुछ नहीं पता था, हम सिर्फ टेक्निकल लेवल्स को देख रहे हैं। और उसी कारण मैं आपको समझाता हूँ, अगर एक इन्वेस्टर हो तो स्टॉक्स बेचना बंद करो, खरीदना चालू करो, स्टॉक्स बेचना बंद करो, खरीदना चालू करो, सही स्टॉक्स को सही समय पे पकड़ना सीखो। अब सही स्टॉक्स आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बिजनेसेस आपको लग रहा है आज से 10-15 साल बाद भी एग्जिस्ट करेंगे, प्रॉफिट बनाते रहेंगे, उन पे आपको फोकस करना है। और अगर आपको लगता है कि कंपनी आप जो बिजनेस करेंगी वो नहीं प्रॉफिट बना पाएंगी, मत खरीदो, कैश पे बैठो, कैश पे ऐस करो, ठीक है। बाकी एक वीडियो मैंने डाली थी जहाँ पर मैंने आप ही लोगों से पूछा था अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, और मुझे बहुत प्राउड के साथ ये बात मैं बार बार बोलूँगा, कई बार बोल भी चुका हूँ, कि आप में से ऑलमोस्ट 200 लोगों ने कमेंट किया था, 200 या 250 लोगों ने कमेंट किया था उस वीडियो पे, और प्राउड के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि 200 से ज़्यादा पोर्टफोलियो, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, मैंने एक स्टॉक की बात नहीं की थी, मैंने स्टॉक्स की लिस्ट की बात की थी, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आप लोगों ने बताया था, और सब क्वालिटी स्टॉक्स थे। हाँ, मैं एग्जैक्टली वो बैलेंसिंग की बात नहीं आपसे कहूँगा कि जाकर के वहाँ पर आप खरीद लो, लेकिन अपनी लॉजिक लगाना, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टिंग,
ठीक है, उसके बाद बढ़िया वेटेज देना सीख जाओ, ये सब कारनामे करो और फिर आपको बात समझ में आएगी। मैं ना ही टाटा स्टील को रिकमेंड कर रहा हूँ, 4 के PE पे है, खरीद लो, या ही किसी और स्टॉक का अगर मैंने नाम लिया हो तो उसको खरीद लो। अब फंडामेंटल एनालिसिस की बात हो रही थी, LIC का जब IPO आया था तो मैंने एक वीडियो आपको दी थी, LIC का IPO अप्लाई नहीं करना है, और ब्रोकरेजेस क्या कह रहे थे कि सब्सक्राइब कर लो LIC के IPO को, कह रहे थे ना, मतलब शेयर खान, निर्मल बंग, मैं डायरेक्टली नाम ले रहा हूँ क्योंकि पेपर में लिखा है, एंजल ब्रोकिंग, जियोजीत, ये सब कह रहे थे। अब आप समझो कि इनके पीछे की कहानी क्या है, उनकी रिसर्च फेल हो गई या नहीं, ठीक है। अब हम जैसा बंदा अगर आकर के कह रहा है कि LIC का IPO नहीं सब्सक्राइब करो, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, बड़े बड़े TV चैनल्स आपको प्रमोट कर रहे थे ना LIC का IPO खरीदो खरीदो खरीदो, इसीलिए 3 गुना भर गया। और 3 गुना कोई छोटी कंपनी होती भर जाती, मैं उसको मतलब ऐसी नज़रों से नहीं देखता, मतलब तकलीफ वाली नज़रों से नहीं देखता। 20,000 करोड़ का IPO अगर 3 गुना भर जाए दोस्त, तो ये मेरे लिए बहुत खतरनाक बात है, जब वो IPO अच्छा भी ना हो, क्योंकि कंपनी ने 20,000 करोड़ मांगा, आप 60,000 करोड़ देने को तैयार खड़े हो, इतना बड़ा क्रेज़ है मार्केट में अलग ही लेवल का पैसा जलाने का। तो ये सब चीज़ें करना बंद करो, मैं फिर से कह रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप आउटपुट बहुत 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 कम पाओगे। टेक्निकल एनालिसिस सीखो इसलिए क्योंकि चार्ट कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, चार्ट में चीज़ें आपके सामने हो जाती हैं, चार्ट आपको वॉल्यूम समझाता है, वॉल्यूम आपको बहुत कुछ दे जाता है। रिट्रेसमेंट सीखो, पिवट पॉइंट से लेवल से निकालना सीखो, क्रॉसओवर सीखो, मूविंग एवरेजेस सीखो, इतना तो कम से कम सीख लो, उसके बाद आप कमाल करोगे। अच्छे स्टॉक्स खुद आपको बता देंगे कि मैं अच्छा स्टॉक हूँ, चार्ट उनका खुद बता देता है कि वो अच्छे स्टॉक्स हैं, चार्ट पूरी कहानी बताते हैं, मेरी बात मानो प्लीज़, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल मैंने आपसे पूछा, डू यू सपोर्ट अग्निपथ स्कीम। जो लोग यहाँ तक आए हैं, मुझे अगर 10 लोग भी यहाँ तक आए हैं, मुझे 10 लोगों के कॉमेंट्स चाहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो अंत तक नहीं देखते होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर आपका रिप्लाई चाहिए एज अ कॉमेंट, ठीक है। पहले वोट कर दीजिएगा, उसके बाद कॉमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं पढ़ूँ, और मैं पढ़ूँगा, आज रात 11 बजे से मैं खाली हूँ, तो आपके कॉमेंट्स यहाँ पर मैं पढ़ूँगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग इसको एक्सेस ना कर सकें तो वो कम्युनिटी पोस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर वेबसाइट niftyindia.in पे आएँ, ऊपर के लेवल पे, ऊपर ये जो बैनर बना हुआ है ना, यहाँ पर आप फोरम पे क्लिक करोगे तो पहुँच जाओगे। और कोई सवाल सुझाव हो तो ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में है ना, नाम, ईमेल आईडी और मैसेज छोड़ना, आपसे मैं बात करूँगा रात 11 से 12 बजे के बीच में, वाया ईमेल ओनली, व्हाट्सएप पे नहीं, ठीक है। अब एक सवाल आया था, एक मिनट मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। टास्क 31 से लेकर के टास्क 40 तक आप सबको भेज दिया गया है, जिन लोगों को नहीं मिला है वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें, तुरंत कनेक्ट कर लें। अब ये सवाल आप देखिए, अब वीडियो ख़त्म हो चुकी है, मैं टास्क वालों से अब बात कर रहा हूँ, अब आप लोग वीडियो छोड़ करके जा सकते हो, वीडियो लाइक करके जाना बस, ठीक है। चलिए, माय नेम इज़ आकाश शर्मा, एक्चुअली माय कंसर्न इज़ दैट अकॉर्डिंग टू द टास्क 31 से 40 वी हैव टू शेयर टोटल 40 ये टू डू 8 रेस पर डे, और वी हैव टू शेयर कुल 26 एंड कम्प्लीट 4 रेस पर डे, फॉर द वी हैव टू एग्जीक्यूट 80, हाँ ठीक है, अच्छा ये भी है, हाँ चलिए ये आपको दिखा देते हैं। अभी BPO में जॉब करते हैं तो समय नहीं मिलता। देखो 31 से 40 टास्क में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है आपका, उसके बाद आपको टास्क सबमिट करने हैं, यानी कि ट्रेड्स करने सीखने हैं, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग बनना है ट्रेड लेने में। और मैंने वहाँ पर आपको बात समझाई भी है कि आपका दिमाग, हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, वो स्ट्रांग करने के लिए हमको ये सब काम करने हैं, ठीक है। ब्रोकरेज कितनी लगेगी वो मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखो जो 26 जून की डेडलाइन दी गई है ना, ये बेस्ट केस सिनारियो में है कि आपके पास पूरा का पूरा दिन खाली पड़ा हुआ है, मतलब कि आपके पास अवेलेबल है 3-4 घंटे ट्रेड करने के लिए मार्केट में, आप समय दे सकते हो, तो आप 26 तक सबमिट करो। उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा है कि अब आपके पास आज़ादी है समय लेने की, इसीलिए जो टास्क नंबर 31 है उसकी आपको टाइम लिमिट दी गई है कि जैसे ही आपको ईमेल मिले उसके 24 घंटे में, लेकिन उसके बाद के जो टास्क हैं उसमें आपकी आज़ादी है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स हो सकता है आपकी जॉब हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपके पास समय ना हो सकता है आप मार्केट में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो सकता है आपके पास फंड्स ही अवेलेबल ना हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 26 एक सेट तारीख है, अगर वो वहाँ पर हो पाए वो बेस्ट केस सिनेरियो है, बाकी आप अपना समय ले सकते हो, 26 के बदले 30 को दो, नहीं तो जुलाई में 5-10 तारीख तक भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबमिट करना है, जितना जल्दी सबमिट करोगे उतनी अच्छी बात रहेगी, उतना अच्छा आपका बिहेवियर रहेगा मार्केट के प्रति, ठीक है। अब कोई दिक्कत आई गई है तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं आपको एकदम जान लगा देनी है, समझ गए। बाकी ये 3200 रुपये ये यार बिल्कुल ही आपने गलत डेटा निकाल लिया है, आई होप आपने, मुझे लगता है कि आपने ट्रेड ही नहीं किया है आज तक, ठीक है, अच्छी बात है,
आप सीख करके आगे बढ़ रहे हो मार्केट में, इससे अच्छा भी कुछ नहीं हो सकता। तो आकाश शर्मा जी, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पार्टनर हैं जीरोधा। जब आप यहाँ पर 100 क्वांटिटी लेते हो 1,000 रुपये के स्टॉक की, 1,000 पे सेल करते हो, मतलब सेम प्राइस पे खरीदा बेचा, 100 क्वांटिटी लिया, यानी कि आपने 1 लाख का ट्रांजेक्शन किया, और जब दोनों तरफ ट्रांजेक्शन होगा तो 2 लाख का टर्नओवर हो जाता है, ठीक है। 1 लाख खरीदा, 1 लाख बेचा, तो 2 लाख हो गया। यहाँ पर आपने 83 रुपये पे किए, मात्र 83 रुपये फॉर 1 लाख का ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन हो सकता है आप 10,000 में करते हो, लेट से कि मैं एक क्वांटिटी कर देता हूँ, तो 1 रुपये भी नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से। जी हाँ, 82 पैसे, मतलब कि आप 1,000 का स्टॉक खरीदते हो, 1,000 का बेचते हो, तो आपका 1 रुपये भी नहीं लगा, ठीक है, 1 रुपये भी नहीं लगा। ऐसे ही लेट से कि आप 10,000, 15,000, 20,000 का करते हो, उसी रेशियो में जाएगा, यानी कि 50,000 पे 40-45 रुपये, 1 लाख पे 80-85 रुपये ऐसे लगेगा, समझ गए। हाँ, जितने भी लोग ट्रेड करें वो MIS ऑर्डर लगा करके ही करें, 3 बजे के बाद आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये सब बातें ध्यान रखना। आपको 2 सेटअप मिले हैं, दोनों ही सेटअप पे अलग अलग तरीके से आपको ट्रेड करने के लिए बात की गई है, तो आप उसी हिसाब से शेयर कीजिएगा। कोई अभी भी सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। हाँ, जो लोग ईमेल भेजेंगे रात 11 से 12 बजे के बीच में, उनको मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट है पूछना चाहते हो इंस्टेंट रिप्लाई के साथ, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर वहाँ पर क्वेरी ज़्यादा हो गई तो थोड़ा सा लेट हो सकता है रिप्लाई मिले आपको, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। यहाँ पर मैं आपसे कमेंट मांगा हूँ तो ज़रूर कीजिएगा, जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देखने आए हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।